पहले तो मैं लोगों को बोलता था अगर आप मेहनत करोगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं रियो के अंदर इतनी ट्रेनिंग करके गया था कि शायद ही किसी ने की होगी और गोल्ड का सबसे बड़ा दावेदार मान के गया था, लेकिन उस टाइम किस्मत ने साथ नहीं दिया। मैंने ये देख लिया कि स्पोर्ट्समैन के साथ मेहनत के साथ साथ किस्मत भी बहुत बड़ी साथ देती है। मेरा नाम सुंदर सिंह गुर्जर, जेवलिन थ्रोअर, पैरा ओलंपियन और अपने करौल डिस्ट्रिक्ट हिंडौन सिटी के गांव देवलिन से मेरा निवास स्थल है। मेरे परिवार में जो मेरे फादर हैं वो कुश्ती करते थे और मेरा भाई भी कुश्ती करता था, तो मेरी फैमिली में इतना पढ़ाई का ज़्यादा क्रेज नहीं था। उस टाइम मैं शॉर्ट पुट करता था तो स्कूल में खेलने गया था, उसमें डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आ गया, तो वहाँ पर मेरा कोच था, उसने मेरे को देखा तो उसने कहा तू गोले में ज़्यादा सक्सेस नहीं होगा लेकिन तू अगर जेवलिन करेगा तो उम्मीद है कि अच्छा प्लेयर बन जाए। और भी उन्होंने ट्रायल लिया मेरा और जो लोग तीन तीन साल से चार चार साल से जेवलिन कर रहे थे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट भी उनको काट दिया और नेशनल लेके गए तो नेशनल में मेरा मेडल आ गया। हम हॉस्टल में रहते थे और उस टाइम ये एबल बॉडी में खेलता था तो इनका स्वभाव अच्छा था, थोड़ी दोस्ती हो गई। संडे के दिन हम हॉस्टल में थे तो संडे का दिन छुट्टी का रहता है हमारा, जो मेरा रूम पार्टनर था दोस्त था उसने कहा यार हमारे घर घूम के आता है। उसके मम्मी पापा वो उनका काम चल रहा था जो भैंसों को चद्दर डाल रहे थे वो टीन, तो वो मम्मी पापा उठा रहे थे, मैंने सोचा बुढ़े उठा रहे हैं हम उठा ला के ले आते। जो उनके ऊपर टीन सेट रखी हुई थी पट्टियों के ऊपर, चार पांच रखी हुई थी उसमें से एक उतारी थी तो उसके किनारे के लग के तीन चार आ गई और उसको बैलेंसिंग करने के चक्कर में हाथ नीचे आ गया। डिप्रेशन में मैं इतना हो गया कि मैं सुसाइड कर लूँ। सारे एबल बॉडी में रहता था, अब मैं डिसेबल हो गया तो मेरे को थोड़ी ऐसा मन भी ऐसा हो जाता कि मैं कैसे सबके सामने जाऊँगा। उसके बाद तो मैंने सोचा अब तो मेरा सारा खत्म हो गया, कैरियर ही खत्म है। महीने तक बाहर ही नहीं निकला, रूम से बाहर ही नहीं आया, मैं अंदर ही रहता और रोता रहता सारे दिन और रात रोता ही रहता। रियो ओलंपिक्स जो पैरा ओलंपिक्स होने थे उनके गेम्स के ट्रायल चल रहे थे तो मेरे दोस्त और वो मुझे ट्रायल देने ले गए तो मैंने ट्रायल दिया। ट्रायल में मैंने जावलिन लगाया था 62 मीटर और वर्ल्ड रिकॉर्ड था 62.15, तो मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि मैं ये रिकॉर्ड तो आराम से ब्रेक कर लूँगा। मैंने सोचा यहाँ तो मैं ट्रेनिंग कर नहीं पाऊँगा जयपुर में, क्योंकि सारे जानते थे थोड़ी हिचकिचाहट शर्म आती है, मेरा हाथ कट गया तो ऐसा लड़के लड़कियाँ देखते हैं तो थोड़ा ऐसा होता है, अजीब सा लगता है। तो मैं हनुमानगढ़ चला गया, वहाँ पर मेरे को कोई नहीं जानता था, वहाँ पर जाके ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करने के बाद फाइनल ट्रायल जब हुए थे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के तो मैंने वहाँ पर लगाया था 68.42, वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी 6.5 मीटर ज़्यादा लगाया। इसमें अपने देश की सबसे बड़ी उम्मीद थी कि अगर गोल्ड मेडल लाएगा तो सुंदर सिंह गुर्जर लाएंगे वर्ल्ड के अंदर। इंडिया टीम रियो चली गई, ओलंपिक्स चल रहे थे, 13 सितंबर को जेवलिन था, 7 बजे इवेंट था मेरा रात को और हमारा एंट्री टाइम था 5:15 से 5:30। हम तो 4 बजे वहाँ पहुँच गए थे, वार्म अप कर रहे थे। मैं तो पहली बार नया खिलाड़ी था, मुझे ऐसा पता नहीं था इंटरनेशनल लेवल खेलों का, तो मेरे को जो 5:15 से 5:30 का 15 मिनट का टाइम था वो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं सोच रहा था चलो तारे जाएंगे इनके साथ ही, मैं चल दूंगा पीछे पीछे। 5:30 जब हुआ वो अंदर हो गए, गेट के अंदर एंटर कर गए, मैंने सोचा भाई साहब चले गए, मैं बैग उठा के आया तब तक उन्होंने बोला 5:31 हो गया आपको आउट किया जाता है, ओलंपिक के अंदर से डिस्क्वालीफाई। ओलंपिक वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेम है और उसमें गोल्ड का दावेदार वर्ल्ड रिकॉर्ड से 10 मीटर आगे चल रहा था थ्रो में, जहाँ एंड पॉइंट पे पहुँच के इसके साथ ऐसा हुआ तो बड़ा दुख होता है अंदर, क्योंकि पहले से टूटा हुआ था फिर भी हिम्मत करके कर रहा था फिर दोबारा टूट गया।
मैं सीधा घर ले आया उसका। 1.5-2 महीने तक थोड़ा 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 मोटिवेट करते रहे। इस मोटिवेट से थोड़ा इसे उभरने लगा और इसके उभरते करीब 1 साल लग गया। मैंने इसको छोड़ा नहीं कहीं भी। उसके बाद में कोच ने कहा, दुनिया को कैसे जवाब देगा कि रियल में तू ही तगड़ा था। तो उन्होंने बोला कि इस बार तू ऐसा कर कि दुनिया तो एक एक गोल्ड जीत के आती है, लेकिन तू 3 गोल्ड जीत गया कंट्री के लिए, तो कुछ नया हो सकता है। मैंने बोला, यार मैं तो जेवलिन करता हूँ, शॉट पर डिस्कस कैसे करूँगा। तो करने लगे धीरे धीरे। टायर लटका के तो रनिंग करते हैं, तो उस वेट के अंदर पैर धंसते हैं। थाई के जो पैरों की अच्छी पावर आती है, उसे स्ट्रेंथ जो आती है, जो मेरा कोच है माविक सैनी, इन्होंने बहुत समझाया। पीछे से कोसा पैर पकड़ते हैं, रोज एल्बो से जो चलते हैं तो उसे शोल्डर पावर के लिए होती है। जो जिम के अंदर मेरे शोल्डर के लिए मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं हो पाती। जेवलिन इवेंट में तो ऊपर से नीचे आदमी एकदम फिट ही होना चाहिए। इसमें तो अपने एडी से और चोटी तक का जोर लगता है। परेशानी आती है कि एक हाथ से अपन पूरा वो कर नहीं पाते हैं, तो उसमें मेरे को सहयोग लेना पड़ता है। दोनों हाथ होते हैं तो अपना जो बैलेंस होता है वो सही से रहता है। डिसेबल हो गया तो थोड़ा बैलेंस वो बना नहीं पाते हैं। ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। 3-3 की जगह 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे वर्क करना पड़ा, क्योंकि उसे सुधार लाएँ, बैलेंस कैसे बना पाएँ, तो उसको काफ़ी मेंटेन किया। तो मेंटेन करने के लिए ट्रेनिंग उसको ज़्यादा जोर दिया जाता है। ट्रेनिंग बार बार अभ्यास उसी चीज़ का किया जाता है। मेरा सपोर्ट किया है एक तो मेरा दोस्त अहमद सिंह, मतलब मेरे जो किसी ने नहीं किया होगा आज तक, उतना मेरे लिए उसने किया। जो मेरे कपड़े भी वो दे देता है, खाना भी बनाता है, मेरे साथ ग्राउंड लाता ले जाता है। वो जो मेरा आज भी साथ रहता है, कल भी साथ था और रहेगा। उसके बाद में दुबई में जो वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स हो रही थी, उसके अंदर मैंने 3 इवेंटों में गोल्ड मेडल जीता, शॉट पुट डिस्कस जेवलियन, और अपने देश का पहला खिलाड़ी बना के एथलेटिक्स के अंदर 3-3 गोल्ड जीत के लाया। उसके बाद मुझे काफ़ी खुशी हुई कि यार मैं दोबारा अच्छा करूँगा। लंदन वर्ल्ड चैम्पियनशिप जुलाई, उसके अंदर मैंने 3ों में पार्टिसिपेट किया, 3ों के लिए क्वालिफाई किया। जेवलिन जाके किया, जेवलिन में मेरा गोल्ड आया। राजस्थान सुंदर सिंह गुर्जर रैपिंग अप द मेंस जेवलिन थ्रो विद अ थ्रो ऑफ 60.36 मीटर्स। अपने कंट्री का पहला गोल्ड मेडल था जेवलिन थ्रो में। और आज वही जो मेरी बुराइयां करते थे, गांव में अफवाहें उड़ाते थे, ये कुछ नहीं करेगा, खत्म है वो है। और वो भी कम से कम, ज्यादा नहीं तो 30-40 हज़ार आदमी मुझे एयरपोर्ट पे लेने गए थे उस टाइम। मैंने सोचा ये उगते सूरज को सलाम है, जो आज तगड़ा है वही तगड़ा है। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, आदमी को जिद कर लेनी चाहिए कि मुझे ये करना है, तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अगर उसने सोच लिया कि मुझे बनना है तो वो बनेगा। ये जरूर है कि आपको असफलता मिल गई, एक बार मिल गई, दो बार मिल गई, लेकिन बार बार नहीं मिलेगी।